सरकार मतदान करो, समाधान करो। दिल्ली में देखो आप सरकार मुर्दाबाद। बाजारों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में काफी समय से ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था को लेकर दुकानदारों व व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर दूषित जल भराव के बीच में ही बैठकर रोड जाम कर दिया। इस दौरान जहां शासन प्रशासन के खिलाफ रोष जताया, वहीं अल्टीमेटम भी दिया कि 27 मार्च को मीटिंग करके बड़ा फैसला लेंगे। जाम स्थल पर जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जल्द स्थायी समाधान का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। बता दें कि पिछले करीब 6 माह से दादरी शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। बाजारों व रिहायशी इलाकों में दूषित पानी का जल भराव होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो हालात ऐसे भी हैं कि दुकानों व घरों में दूषित पानी घुस गया। गलियों में, बाजारों में गंदे पानी के बीच से लोगों को निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूषित पानी के जल भराव के चलते दुकानदारों व व्यापारियों ने जन आंदोलन समिति की अगुवाई में पटियाला चौक के समीप दूषित पानी के बीच में बैठकर रोड जाम कर दिया। समिति के संयोजक रविंद्र गुप्ता व नितिन जांगू की अगुवाई में दुकानदारों ने शासन व प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और दूषित जल भराव के लिए ठोस योजना बनाने की मांग की। मौके पर पहुंचे जनस्वास्थ्य विभाग के SDO जगदीश चंद्र ने कहा कि विभाग द्वारा नई पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही स्थायी समाधान हो जाएगा। हमारी जो जन आंदोलन समिति लगातार 9-10 दिनों से इस शहर के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है और सीवर और पानी की समस्या के लिए तो रात दिन एक रखा है, लेकिन सरकार की कहीं भी आंखें नहीं खुल पा रही। पिछली दौरान हम देखो कम से कम 5-6 बार दादरी के सभी नागरिकों ने मिलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का इसी लाजपतों को हजारों संख्या में पुतला फूलने काम किया था और अब फिर संडे को फिर हमारे अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में 27 तारीख को 9 बजे आंदोलन समिति फिर इसी लाजपत चौक के ऊपर मीटिंग करेगी और इस मीटिंग के अंदर वो ऐतिहासिक फैसला होगा, वो आंदोलन होगा, कभी भी हरियाणा की जनता या हरियाणा सरकार ने देखा नहीं होगा अगर इससे पहले कोई समाधान नहीं हुआ। काम चालू करवा दिया और ये पाइप लाइन 10-12 दिन में लग जाएगी, पानी का समाधान हो जाएगा। 70% पॉपुलेशन है जो कि टिकोड़ा पर डिपेंड करती है। वो लाइन 40 इंची वो बैठ चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसकी जगह 10 इंची पाइप लाइन लगाने लग रहे हैं। वो 10-12 दिन में पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसका समाधान हो जाएगा। स्थाई समाधान होगा सर? हाँ, स्थाई समाधान तो देखो 80% तो काम पूरा हो जाएगा, पहले लोगों को ये समस्या मिल जाएगा।